पीछे बिल्कुल मत देख। मना किया था ना, पीछे मत देख। तुम दोनों आगे जाओ, मैं इसके साथ आती हूँ। ओके। तू रुक क्यों गई? एक मिनट सुनो। हाँ, तुम्हें ही बुला रही हूँ। तुझ में तो बहुत गट्स है यार। बोलना तो है ही, तो फिर लेट क्यों करना? तुझे मैं आती हूँ। क्या? मुझे कुछ ना हो इसीलिए मेरे साथ साथ रहते हो ना तुम। हाँ। तो फिर इतने दूर क्यों, साथ चल सकते हो ना? नहीं, आपके कॉलेज तक जाने के लिए बोला है मुझे, आपके साथ नहीं। ओहो, तो अब मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं आ सकता। क्यों, डर लगता है? किस बात का डर? मैंने सोचा साथ चलने से कहीं प्यार ना हो जाए, इसीलिए डर रहे होंगे। क्या हुआ भीमा, काफी देर लगा दी तुमने। तुम्हें हुआ क्या है? कहा था ना आधे घंटे में आ जाऊंगा, थोड़ा काम से इधर उधर गया था, तब तक तो तुमने 9 कॉल्स और 4 मैसेजेस भेज दिए। ये लो भीमा। आ, रहने दो भाभी। ए, वो नहीं पिएगा तो क्या मैं नहीं पीऊंगा? ठीक है, अब ऐसी क्या बात हो गई जो तूने कहा कि फोन पे नहीं बताएगा, मिलके बताएगा? भाई, कल से मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, किसी और को भेज दो। अब और किसे भेजूं मैं? वो 4-5 दिन राजेश गया था, उसी को भेज दो। क्यों, बात क्या है? कल वो लड़की कुछ तो भी बोले जा रही थी, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रही थी? वो कुछ अजीब ही बातें करती हैं। अब सारी बात नहीं बता सकता भाई। तू बेकार दिमाग मत लगा, हम ये उस लड़की के लिए नहीं, हमारे भाई सहाय के लिए कर रहे हैं। बेबी पहले होमवर्क करेगी, बाद में टीवी देखेगी। वो लड़की कैसी है या उसका व्यवहार कैसा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तू मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। सिर्फ 4 महीने की तो बात है, इतना तो कर ही सकता है ना? हाँ, ठीक है भाई। हेलो। क्या भीमा, देखकर भी अनदेखा क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हंसू तो जवाब में हंस देना, इतना काफी है। मुझे इसकी आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, हंसना कोई बड़ा काम थोड़ी है। समझा करो, कुछ भी मत बोलो, जाओ यहाँ से। तुम जो कहोगे वो मैं समझूं, पर मैं जो कहूंगी वो तुम समझना नहीं चाहते। क्या समझना है? क्यों, अभी तक समझे नहीं? समझ रहा हूँ, तुम जैसा सोच रही हो ये प्यार व्यार ये मेरा काम नहीं है। क्यों क्यों? अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं आ रहा हूँ, मुझे प्यारा सा छोटा बच्चा मत समझो। जरा जाओ और जाकर त्रिची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में मेरा नाम पूछो। उन्होंने सामने भले ही न देखा हो, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक जब मेरा नाम सुनता है तो हिल जाता है। मंत्री का पीए, विपक्ष का नेता और अधिकारी तक जैसे ही मुझे देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं। कॉलेज के लड़कों से लेकर दुकान पे काम करने वालों तक भीमा का नाम गर्व से लेते हैं। पूरे शहर के आधे से ज्यादा गुंडे भीमा के नाम से कांपने लगते हैं। मैं एक लड़की के प्यार में फंस गया, ये सुनकर पूरा शहर मुझ पर हंसेगा। जाओ जाकर अपना काम करो, जाओ, आइंदा इस तरह की बात मत करना। तुमने जो भी कहा वो सब सच है, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या? तुम्हारे पास हमेशा एक चाकू रहता है ना? मुझे पता है, मैं किसी से कहूंगी नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने चाकू या कोई हथियार इन सबके बिना 24 घंटे भी नहीं रह सकते ना? अच्छा, क्यों नहीं रह सकता? अगर ऐसा किया तो तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी? पहले रह के दिखाओ, उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगी और तुम्हें ऑनेस्टली उसका जवाब देना होगा, और अगर उस सवाल का जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
अच्छा ये बताओ कि तुम अपने चाकू या कोई हथियार इन सब के बिना 24 घंटे भी नहीं रह सकते ना? ग्रीन सिग्नल है क्या? अरे ऐसे घूर घूर कर मत देख, नजर लग जाएगी। उधर देख। टेस्टी था ना? चल चल जल्दी चल, चल, चल।